जन विश्वास रैली जो ये कर रहे हैं, ये दिखावा है। 17 महीने 17 साल की बात कर रहे हैं। ये विजन था नीतीश कुमार का, उसके पास क्या विजन है? ये नीतीश कुमार का विजन है पंचायत राज में आरक्षण देना, नगर निगम में आरक्षण देना, महिला को 50% आरक्षण देना नौकरी में। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी, आप देख रहे हैं न्यूज 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व SST कल्याण विभाग के मंत्री रत्नेश सदा हैं। 17 महीने बनाम 17 साल कहा जा रहा है। जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले हुए हैं, उन्होंने कहा कि 17 महीने बनाम 17 साल, जो 17 महीने में हमने कर दिया है वो 17 साल में ये लोग नहीं कर पाए। पहले आप भी से मैं पूछना चाहता हूँ, जो घर का देहाती भाषा में घर का गार्जियन होता है उसके अनुकूल घर चलता है कि अति बच्चे का अनुकूल चलता है? घर का पूरे बिहार का मालिक है नीतीश कुमार, उसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। और जन विश्वास रैली जो ये कर रहे हैं, ये दिखावा है। 17 महीने 17 साल की बात कर रहे हैं। ये विजन था नीतीश कुमार का, उसके पास क्या विजन है? ये नीतीश कुमार का विजन है पंचायत राज में आरक्षण देना, नगर निगम में आरक्षण देना, महिला को 50% आरक्षण देना नौकरी में। और इतना ही नहीं, SC ST समाज को टोला स्विंग से विकास मित्र बनाने का विजन तो नहीं था उस समय, ये विजन था नीतीश कुमार का। 5 डिसमिल जमीन देने का भी विजन है नीतीश कुमार का। उन्होंने झूठ का बात करते फिरता है विकास में, टोला स्वयं सेवा का तालीमी मरकज के लोग को मानदेय हमने बढ़ाया। कभी आवाज उठाया है तो लिख करते, हम 2021 से आवाज उठाते आते हैं। और हमारे दल के नेता जो भी हैं SC ST के, उस सबके प्रयास से हाथ को अथी महादलित के ये समाज के टोला स्वयं सेवा विकास में तालीमी मरकज के लोग को वेतन बढ़ा है। बिहार में मध्य अवधि चुनाव हो सकता है, नीतीश कुमार भंग कर सकते हैं विधानसभा, ये बकवास बोल रहे हैं। नहीं, ये बकवास है। तो 2024 लोकसभा चुनाव में कर रहे हैं, बिहार से 40 में से एक भी सीट नहीं आएगी NDA को आप लोगों को? अब पता चलेगा, फील्ड पर आएगा तब ना। आप सुन रहे थे SC ST कल्याण विभाग के मंत्री हैं रत्नेश सदा। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लोग फील्ड में आएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या स्थिति होगी बिहार में। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जन विश्वास यात्रा जो निकाला गया, ये लोग जनता को दिखावा के लिए यात्रा निकाले। बहरहाल इस खबर में इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 24 पर। मेरे सहयोगी पिंडू के साथ मैं सदन जी पटना।